नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ट्रिक्स में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपका गद्यांश है क्लास 12th का। और इसके पहले मैंने दो वीडियो गद्यांश के और बना चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो गद्यांश है वो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपका इसलिए है क्योंकि ये लगातार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में अंत तक ही बने रहना। वीडियो का PDF मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फाइनली चैप्टर का नाम है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है। और इसका जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है ये आपके सामने। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। ... से लेकर के आपका प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो यहाँ तक कि आपको ये गद्यांश सॉल्व करना है। बात करते हैं अगर इसका पाठ और लेखक का नाम की, तो पाठ का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप यही तैयार कर लो कि पाठ का नाम कौन सा है और लेखक का नाम कौन सा है। अगर आपको ये चीज पता हो जाएगी तो बचे हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप दे सकते हो। जैसा कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उसके पहले आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, पाठ का नाम है आपका, ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इतना करने के बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से आपका क्या अनिर्हित है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। सो फाइनली आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आपको ये जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को कम से कम आपको 10 बार समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ने में मतलब आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है कि आपको समझ में आए कि इस पूरे गद्यांश में आखिर बताया क्या गया है। जब वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो ये बचे 5 क्वेश्चन के आंसर आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश के अंदर मिल जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसी गद्यांश के अंदर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिख जा रहे हैं अगर आपको एक गद्यांश पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस गद्यांश में ये बताना है कि लेखक आपसे कहना क्या चाहता है। दोस्तों, लेखक आपसे बता रहा है कि जन का अंग तीसरा संस्कृति माना जाता है। काफ़ी समय से मनुष्य योग्यता और सभ्यता का निर्माण कर रहा है, वही उसके जीवन का श्वास है, यानी कि वही उस जीवन की श्वास है, रीढ़ की हड्डी है, मस्तिष्क है, पूर्ण रूप से यही कार्य करती है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, यानी कि हम अपने मार्ग से, हम अपनी भूमि से, हम अपने कर्तव्य से अगर हम छूट जाएं या फिर उस कर्तव्य को ना निभा पाएं तो हमें इस संस्कृति का, हमें इस पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपको गद्यांश के अंदर ही आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक की है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। देख लो यहाँ पे, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो किसका है, संस्कृति का। संस्कृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट से आज की डेट में। सो आपको यहाँ पे इसका आंसर ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। सो फाइनली थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिएगा और आप अपना एक गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। ट्रिक कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका PDF मैंने दे दिया है, अगर आपके पास किताब नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, सो इसीलिए मैंने PDF डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। जाकर के PDF इसका डाउनलोड कर लो और अच्छे से तैयारी करो। तो PDF डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।